हाँ जी बेटा, एज दक्ष इज हैविंग प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर जो है 12, लेट अस डू दैट। आफ्टर देन वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। चैप्टर वी आर डूइंग एपी, एंड फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉब्लम ऑफ दक्ष, दैट इज ऑन पेज 106। अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर 102 में टू APs are having same common difference. अब दो APs का common difference same है, तो बेटा हम लेंगे let D be the common difference of two APs. Okay? And what is written there? The difference between their 100th term, मेरे पास तो है 100th term का difference. देखो एक टी डैश से लिख रही हूँ, आप ए डैश से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। वो मेरे पास 100 है, ये गिवन है, और उन्होंने कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th term। मेरे पास हो गए 1000th term में कितना डिफरेंस होगा, ये आपने कैलकुलेट करना। अब आप देखिए बेटा कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, मेरे पास तो है जो मैंने चीज कैलकुलेट करनी है, 3000 मतलब ए प्लस 999 डी माइनस अगेन 3000 term। यहाँ फर्स्ट टी टर्म डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, हम यहाँ लिख लेंगे एंड फर्स्ट टर्म भी, एक ए ले लेते हैं एक कैपिटल ए ले लेते, ठीक है। तो 100% ए प्लस 999 डी। वाई आई टुक डी सेम है, बिकॉज इट इज रिटन देयर, कॉमन डिफरेंस इज सेम। दक्ष लो योर हैंड बेटा, अब ओपन द ब्रैकेट, तो मेरे पास टू है माइनस ए माइनस 999 डी, दिस विल कैंसल। वॉट इज लेफ्ट मेरे पास हो गए ए माइनस ए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ए माइनस ए की। तो अब बेटा जब मुझे ए माइनस ए निकालना है, मैं वो कहां से निकालू बेटा, जो मेरे पास गिवन है फ्रॉम दिस टर्म। अब टी 100 मतलब ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी, इट विल कैंसल, और ए जो है मेरे पास ये। अच्छा ये डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 100, दैट इज गिवन टू मी, मीन्स दिस इज इक्वल टू 100। नाउ मार्क दिस इक्वेशन सेकंड, तो हमें ये चाहिए था, तो ये 100 आया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यही फाइंड आउट करना था। ओके दक्ष, हाँ जी बेटा बोलिए दक्ष, हाँ जी दक्ष, देन लोअर योर हैंड दक्ष। ओके अब बेटा हम लोग सम का फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस में। मेरे पास एक्सरसाइज 5.3 में हमने सारी सम की बात करनी है, मैंने कल आपको एक ही सम का फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, उसको एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है एस एन का फॉर्मूला जो कल मैंने आपको बताया था, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स आर एन एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, तो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो फॉर्मूला मैंने आपको ये करवाया, देयर इज अनदर फॉर्मूला ऑल्सो, वो क्या है बेटा मैं आपको बताती हूँ। अगर एन बाय टू टू ए को मैं ब्रेक कर दूं ए प्लस ए में, कोई मुझे बता सकता है ये क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनीबडी फ्रॉम यू? हाँ जी तानिया, यस बेटा, मैम nth टर्म, nth टर्म, और
और कोई नेम दे सकते हैं इसको? तान्या? लास्ट। यस, दिस इज द लास्ट टर्म, बिल्कुल करेक्ट है। तो दैट मीन कि हम यहाँ पर बेटा क्या करें, एन बाय टू ए प्लस एल भी लिख सकती हूँ। लास्ट टर्म कब होगी? जब इसमें एन टर्म्स होंगी। ओके, यस दिव्यांश, क्लियर? तो ये भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन की टाइप कैसे है ये उस पर डिपेंड करे, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे, जिसमें हम सम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा। तो मेरे पास हो गए एक्सरसाइज 5.3। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो है 2, 7, 12 सो ऑन 10 टर्म्स। ओके, मुझे इसका फाइंड द सम ऑफ। अब बेटा ध्यान से, यहां 10 टर्म्स बोली गई है, दैट मीन आपको यहां पर n दे दिया गया है। a आपके पास d है, 2 है, और d आपके पास t2 माइनस t1, 7 माइनस 2 दैट इज 5। आपको a d और n ही चाहिए, तो s n आपके पास दैट इज s 10। फॉर्मूला क्या होता है s n का? अभी हमने किया था n बाय 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो बेटा लगाइए 10 बाय 2 टू ए प्लस, मेरे पास वो है 9 डी, डी कितना है मेरे पास 5। अब ये कट गया 5, 5 इंटू 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, तो मेरे पास 5 4 कैरी और 245 इज द आंसर। ठीक है बेटा जी, क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही बेटा हमारे पास हुए हैं नेक्स्ट सारे पार्ट्स हैं इसके। तो एक पार्ट और कर लेते हैं, लेट अस डू द फोर्थ पार्ट। आपका होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट होमवर्क है आपका। तो लेट अस डू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट फोर्थ पार्ट। हाँ जी, 1/15, 1/12, 1/10 so on up to 11 terms. Anji, who will able to tell me how to solve this? Jaldi jaldi, just raise your hand. Only one student, baki contract pe hai beta. Don't want to tell the answer? Very good, Chahat. Yes, Chahat beta, unmute yourself and tell me the answer. हरियप चाहर, यस मैम, बोलिए बेटा, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक n इज इक्वल टू 1/15, आफ्टर देन मैम देन a इज इक्वल, सॉरी, a इज इक्वल टू 1/15, n इज इक्वल टू 12। ओके, मेरे पास जो है n इज इक्वल टू 11 टर्म्स और a is equal to 1/15, how to calculate d? Chahat? Ma'am, Anji? 1/12 minus 1/15. Your voice is not audible, beta, properly. Okay, Divyansh, yes, beta? Yes, Divyansh? Ma'am, 1/12 minus 1/15. Yes, ab theek hai, Chahat. That is 1/12 minus 1/15. Take LCM. अगर आप देखोगे तो 3 और 4 into 5, that is 60 is the LCM मेरे पास, और 5 minus, जब मैं यहाँ करूंगी तो 4, 1/60 is D. N पता, A पता, D पता, use this formula, put the values and get your answer. Very good Chahar beta. Okay? Now come to next beta. मेरे पास हो गए question number 2. Okay? Question number 2 में क्या difference है first से?
फॉर्मूला वही लगना है पूरी एक्सरसाइज में, बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन फर्स्ट. यहां पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ दिस. अब देखिए डिफरेंस क्या है यहां पर, यहां प्लस प्लस करके डैश डैश करके 84 लिखा है, इसके साथ कोई वर्ड टर्म्स नहीं लिखी, बट फर्स्ट क्वेश्चन में यहां नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन थी. सम निकालने के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, एन होगा तो आप आगे कोई काम कर सकते. यानी वन स्टेप यहाँ पर ज्यादा हो गया. वो क्या हो गया बेटा, हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है. वो कैसे, यहाँ पर टी एन 84 दे दिया है, यहाँ पर एन सीधा 11 दिया था, यहाँ पर नहीं दिया, हमें नंबर ऑफ टर्म्स खुद कैलकुलेट करना है. ए मुझे यहाँ पर 7 दे दिया, डी मैंने कैलकुलेट करना है 10 1 by 2 minus 7 that is 21 by 2 minus 7 that is 2 21 minus 14 7 by 2. ओके जी, क्लियर बेटा. अब मेरे पास डी भी है, मेरे पास ए भी है, मेरे पास एन रहता है कैलकुलेट करना, क्योंकि जब तक एन नहीं होगा फॉर्मूले में एन चाहिए ही चाहिए, तब तक मैं एस एन नहीं कैलकुलेट कर सकती. तो सबसे पहला काम टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 84 है, ए 7, एन मैं कैलकुलेट करूंगी और डी मेरे पास 7 बाय 2 84. अब एन माइनस वन इंटू 7 बाय 2 ये माइनस होगा बेटा, तो जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो गया मेरे पास 77. चेक कर लेना बेटा. अब ये और ये कट गया 11, 2 ऊपर चला गया, n माइनस 1 इज 22, n की वैल्यू 23 आ गई. अब बिल्कुल फर्स्ट सम जैसा बन गया, n भी पता, a भी पता है, d भी पता है. अब इसमें फॉर्मूला कोई भी यूज कर लो, चाहे फर्स्ट कर लो चाहे सेकंड वाला फॉर्मूला, दोनों से आंसर आएगा. चलिए तो एस एन एन बाय टू, मैं ए प्लस एल भी कर सकती हूँ क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई, मेरी कैलकुलेशन दी हुई है. अब 23 बाय टू, ओके. तो अब बेटा मेरे पास ए, व्हाट इज ए गिवन हियर, दैट इज 7 और एल लास्ट टर्म 84. अब इसको सॉल्व कर लो, 23 बाय 2 इनटू दिस इज 91, मल्टीप्लाई इट एंड डिवाइड बाय 2, यू विल गेट योर आंसर. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. अब आगे चले बेटा, चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गया, दैट इज लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट. ओके, All of you try and show me on your screen. Same concept है. जल्दी जल्दी try करके मुझे screen पे दिखाइए अपने. Hurry up. Be fast. Question number 2, third part बेटा. हाँ जी, it is given to you. Find the sum of. हाँ जी बेटा, क्या करेंगे? A माइनस 5, D माइनस 8 माइनस 5. यहां गलती नहीं करनी है, आंसर इज माइनस 3. टी एन माइनस 230 और टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 230. ए माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू डी माइनस दिस. नाउ डू द कैलकुलेशन, n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 225. ओके जी, माइनस 3 से डिवाइड कर दें उधर, n माइनस 1 माइनस 225 डिवाइडेड बाय माइनस 3 कैंसिल और 7 दा 5 दा, तो n माइनस 1 इज दिस, तो n की वैल्यू 76 आ गई.
ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दक्षिण में नहीं हो सकता, अगर आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग. ओके बेटा क्लियर. तो अब एन भी मेरे पास आ गया. नाउ यू कैन यूज एस 76, 76 बाय 2, 2a. आपने फॉर्मूला लिखना है, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली. 2a प्लस, अच्छा लास्ट वाला भी लगा सकते हो, a प्लस l जो मैंने पीछे लगाया था, तो सीधा लगा देते हैं a प्लस l. सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. ओके बेटा क्लियर, समझ आ गई सबको. चलिए लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड हर तरह के क्वेश्चन को कवर करता है बेटा, हर टाइप के. तो हम इसको करते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, अल्टरनेटिव पार्ट हम सॉल्व करते हैं, बाकी पार्ट आपका होमवर्क होगा. ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट. अब आप लोग करोगे, मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूं, मैं जिसका नेम लूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा, बट साथ ही अपने आप को थोड़ी देर में म्यूट करने का डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. ओके लेट अस पार्टिसिपेट. आज इसके पर बेसिस आपकी फर्स्ट असेसमेंट लगेगी, सो बी रेडी फॉर दैट. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज 5, बी इज 3, टी एन इज 50, एन कैलकुलेट करना है, एस एन कैलकुलेट करना है. हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आपके माइंड पे क्या आता है? रोल नंबर वन, हरी अप. रोल नंबर वन अक्षय प्रेजेंट है? नहीं. रोल नंबर टू, रोल नंबर टू. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी आर्ची बेटा बताइए हाउ टू स्टार्ट दिस जल्दी. मैम पहले हम एन निकालेंगे विद द फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी. ओके व्हाट इज ए? दैट इज 5. आपने बिल्कुल करेक्ट बताया कि हम एन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहां से बेटा मेरे पास एन आरती ने बोला, मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो मेरे पास 15, एन की वैल्यू 16 आ गई. नेक्स्ट स्टेप आरती, अरे आरती व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप बेटा? मैम विल फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म विद द फॉर्मूला एन बाय टू ब्रैकेट और a की वैल्यू 5 है, 16 माइनस 1 15 और d मेरे पास 3 है, तो 8 इंटू 10 प्लस 45, 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई कीजिए तो बेटा ये 4 5 0 4 4 4 0 is the answer. Very good Archie. Now roll number 3. Roll number 3. Yes ma'am. हाँ जी बेटा. अब next question में बेटा roll number 3 मुझे बताइए कि हम क्या करेंगे बेटा. Question part जो दिया हुआ है, question 3 third part. Here T 12 is 37, D is 3. I need to calculate A and S 12. How to start this question? Yes, Aryan. Ma'am, A 12 is equal to. हाँ जी बोलिए. A plus 11D. Very good. A plus 11D. Now, what we have to do? A 12 is equal to. हाँ जी. 37. ओके ए 12 की जगह 37 लिख देते हैं. ए हमें कैलकुलेट करना है, डी हमें दिया हुआ है. वेरी गुड आर्यन. तो मेरे पास ए की वैल्यू बेटा 4 आ गई. आफ्टर देन व्हाट विल वी डू? मैम सम के फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे. वेरी गुड. एस 12 का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाय टू दैट इज 12 बाय टू, टू ए प्लस 11D. अब बेटा मेरे पास सारी वैल्यूज हैं 6 2a 8 हो गया, 11 इंटू डी 33 हो गया. सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर.
Very good, Aryan. Okay, now come to next beta. That is fifth part. Okay, fourth part is your homework. Let us do fifth part. Next roll number four. Anji, roll number four. Hurry up, beta. If roll number. Yes, ma'am. Anji, roll number four, beta. How to solve this question? मैम पहले SN वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ओके तो उसमें क्या करेंगे बेटा फॉर्मूला बताइए मैम SN is equal to n over 2 bracket 2a plus n minus 1 to d यहां n कितना दिया हुआ है मैम 9 वेरी गुड सो दैट मींस इन प्लेस ऑफ n वी कैन यूज 9 2a plus 9 minus 1 तो 8d is equal to 75 बिल्कुल सही है भानु उसके बाद क्या करेंगे बेटा 2 common ले ले तो 9 by 2 into 2 a plus 4d 75 2 and 2 cancel ये 9 उधर ले जाते हैं तो a plus 4d 75 by 9 देखिए d पता है मुझे मैं d भी पुट कर सकती हूं तो a plus ये हो गया 20 75 by 9 तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये बन गया a is equal to 75 by 9 minus 20 take lcm 9 75 minus 180 ये minus 105 by 9 3 के टेबल में कटिंग हो रही है काट दीजिए 3 3 दा 9 और 5 दा minus 35 by 3 चेक कर लेना बेटा कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो ओके जी अब a आ गया नेक्स्ट भानु क्या करेंगे बेटा मैम अब nth टर्म वाला फार्मूला लगा लेंगे हां जी किसका मैम nth टर्म वाला फार्मूला लगा लेंगे बिल्कुल करेक्ट बेटा I need to calculate A9 और उसका फॉर्मूला होता है A plus 8D. तो बेटा A मैंने कैलकुलेट किया minus 35 by 3 और D मेरे पास था that is 5 and solve it and get your answer. Very good Bhani. Okay. Now the next turn is roll number 5. हाँ जी roll number 5. Yes ma'am. हाँ जी. Now बेटा सेवेंथ पार्ट देखिए सेवेंथ पार्ट में क्या क्या दिया है जस्ट रीड इट एंड आफ्टर देन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मेरे पास सेवेंथ पार्ट है हाँ जी ए इज 8 ए एन इज 62 एस एन एन इज N और D मुझे कैलकुलेट करनी नाउ बिसम बताइए बेटा हाउ टू स्टार्ट दिस हरी अप फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द फार्मूला दैट N by SN equals to N by 2 by A plus L ओके अकॉर्डिंग टू बिसम SN का फार्मूला हम यूज करेंगे तो वो N by 2 2A plus N minus 1 into D that is 210 अब ना तो मुझे n दिया है ना मुझे d दिया है तो बेटा फिर क्या करें मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द वैल्यू ऑफ मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज नो वी विल यूज द फार्मूला ऑफ nth टर्म दैट 62 एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d और इफ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट फाउंड देन वी विल यूज इट देन इट विल बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्विंग दैट इक्वेशन विल गिव अस द आंसर वेरी गुड एक ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना दे इन टर्म्स ऑफ एन एक और मेथड है हम ये फॉर्मूला लगाने की बजाय ना क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है तो हम ये भी लगा सकते हैं उसका बेनिफिट क्या होगा देखिए एन बाय टू ए की वैल्यू 8 दी है ए एन की वैल्यू भी दी हुई है तो यहां से सीधा एन की वैल्यू निकल जाए बिसम का मेथड भी बिल्कुल करेक्ट है वो गलत नहीं है बट इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी तो यहाँ पर n बाय टू
दिस इज 70 और ये 210, ये कट गया और इधर 3, तो n की वैल्यू सीधा 6 आ गई। ये भी मेथड करेक्ट है, ओके। इससे मेरे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक बनेगा भी ना, तुम्हारे दो आंसर आएंगे, एक n नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकता है, एक n फ्रैक्शन और एक पॉजिटिव हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर। तो फ्रैक्शन और नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करोगे, क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि n कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ओके जी, क्लियर। तो अब n मेरे पास 6 आ गया, अब मुझे d चाहिए, a मेरे पास है, तो मैं a n का फॉर्मूला लगाऊं 62। अब जब मैंने ए एन का फॉर्मूला लगाया 62, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 62। बेटा ए भी मुझे पता है 8, एन भी मुझे पता है 6, तो यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 ही है, तो दैट इज 5d। यहां से d कैलकुलेट हो जाएगा 62 माइनस 8, ओके। तो डी अब कीजिए, यहां पर कितना बन जाएगा 62 माइनस दिस दैट इज 54 बाय 5, यू विल गेट डी वैल्यू। इट इज अप टू यू हाउ यू आर मैनेजिंग द क्वेश्चंस, इसमें कोई वो फिक्स नहीं है, ओके, क्लियर टू यू। ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कीजिए, हरी अप एंड शो मी ऑन योर स्क्रीन, आप मुझे स्क्रीन पे शो कीजिए, जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर। जी वेरी गुड, वेरी गुड दिव्यांश, हाँ जी दिव्यांश ने शो किया है, बाकी और किसी ने नहीं मुझे शो किया। आई एम डूइंग नाउ 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज योर होमवर्क पार्ट, 9th क्वेश्चन में देखते हैं। दिव्यांश मैच योर answer with my answer, very easy to perform this। And the next turn bisam ke baad roll number 5 ke next turn 6 ki turn ho chuki hai, 7th daksh beta, daksh unmute yourself, ma'am haan ji bataiye how to do this question, hurry up beta, hurry up ma'am, I'm... एल दिया हुआ है, हाँ जी मैम, 9th क्वेश्चन, स्पीक नियर द माइक प्रॉपरली बेटा, 9th क्वेश्चन बेटा आपके सामने क्या लिखा है, मैंने क्या 2 मिनट दे दिए क्वेश्चन करने को बेटा, आई हैव गिवन यू टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन, मैम एसेट दिया हुआ 192। हाँ जी बेटा, मैं बता देती हूँ टाइम जो है वो निकल रहा है, और दक्ष इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो बेटा सबसे पहले देखिए एस दिया हुआ है, यानी एस एन दिया, तो बेटा क्या करेंगे, मेरे पास हुआ एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और एन की वैल्यू 8 है, मतलब ये एस 8 दे दिया, तो एन बाय 2a, तो दैट मींस दिस प्लस n माइनस 1 7, और सीधा d निकल आना है बस, इट्स क्वाइट इजी, ये कटिंग होके 4 6 प्लस 7d 192, हाँ जी 4 से डिवाइड कर दो, 6 प्लस 7d, जब 4 से डिवाइड किया 16 4 और 8, तो बेटा 7d इज इक्वल टू 42 एंड d इज इक्वल टू 6, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट।
Yes, Divyansh, I have seen your copy, beta. हाँ जी बेटा. Now come to question number fourth, beta. Question number fourth, very very important. बहुत बार अभी जितने भी पार्ट किए ना, उन्होंने डायरेक्टली आपको दिया है एम निकालो, ए निकालो, डी निकालो, एस एन निकालो, टी एन निकालो. उसे को अब उसने स्टेटमेंट में चेंज कर दिया. क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन आते हैं. हाँ जी, रोल नंबर एट. रोल नंबर एट. रोल नंबर एट. रोल नंबर नाइन. रोल नंबर नाइन. रोल नंबर टेन. अपने आप देखिए नेक्स्ट. रोल नंबर टेन. इलेवन. हाँ जी गीतांशु, यू आर प्रेजेंट हियर. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी कैन बी टेकन टू गेट द सम. दिस मैंने आगे भी आपको बताया था वर्ड हाउ मेनी हो ना, तो बेटा हम क्या करते हैं एन निकालते हैं. वी नीड टू कैलकुलेट एन. हाँ जी यस दिव्यांश, आपका रोल नंबर टेन है, बताइए बेटा. अनम्यूट कीजिए. हाँ जी अनम्यूट कीजिए दिव्यांश. यस मैम, गुड मॉर्निंग. बताइए कैसे करेंगे मैम. इसमें पहले फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू नाइन, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू एट. ओके देन देन दिव्यांश आएंगे एस एन इज इक्वल टू 636, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 636. वेरी गुड. एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज एट. अब बेटा क्लियर कट ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी. यस मैम. फैक्टर्स बनाओगे, यू गेट टू आंसर्स ऑफ एन. But you have to accept only one. Okay जी, अगर कोई negative या fractional value उसको reject कर दोगे, बाकी को accept करो. Okay जी, for today यहाँ तक हम complete करते हैं. All of you try the next four questions up to eight. I will ask you the problems up to eight questions. Okay? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, yes, ma'am. जो